पिछले 2 महीने से दोस्तों मैं एक LG का बजट सेगमेंट का 2K मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। ये मॉनिटर खास करके उन लोगों के लिए है जो ग्राफिक डिज़ाइन का काम करते हैं, कलर करेक्शन वगैरह हो, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, उनके लिए है। तो आज मैं आपको इसका एक प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ, प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा, और आपको ये लास्ट में पता चल जाएगा कि ये मॉनिटर आपको बाय करना चाहिए जिस प्राइस में आता है या फिर नहीं। सबसे पहले अगर आप इसका डिज़ाइन देखें मॉनिटर का, तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक मिल जाता है, क्योंकि आपको बॉर्डरलेस एक डिज़ाइन इसमें देखने को मिल जाता है। 3 साइड से आपको बॉर्डरलेस इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही थिन बेजल्स मिल जाएंगे। बॉटम साइड में थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा मिलेगी बेजल्स की, वहाँ पर LG की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, और सेंटर में LG का जहाँ पर लोगो है उसी के नीचे आपको इसकी एक फिजिकल की मिल जाएगी, जहाँ पर आप इसकी सेटिंग वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस मॉनिटर के डिस्प्ले को लेकर, क्योंकि डिस्प्ले एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मॉनिटर का। तो ये जो मॉनिटर है, ये पहले बता दूं कि गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग के लिए इसको बाय करना चाहते हैं तो ये मॉनिटर उनके लिए नहीं है। ये मॉनिटर है ग्राफिक डिजाइनर के लिए या फिर जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए, जिनका बजट कम है लेकिन उनको 2K मॉनिटर चाहिए और फैक्ट्री कैलिब्रेटेड कलर्स वगैरह भी चाहिए, तो ये मॉनिटर उन लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। इस मॉनिटर में आपको 27 इंच की एक बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है QHD IPS पैनल के साथ में, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 2560x1440 पिक्सल्स का, और ये एक 1440p मॉनिटर है, मतलब 2K मॉनिटर ये होने वाला है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फैक्ट्री कैलिब्रेटेड आपको मिल जाता है sRGB 99% और 1 बिलियन कलर्स के साथ में ये मॉनिटर आता है। तो अगर आप इस पे वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटोज़ वगैरह एडिट करते हो, तो कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आपको दिखेंगे। बेसिकली कलर करेक्शन का अगर आपका काम है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसमें कर पाओगे। इसमें 350 निट्स की ब्राइटनेस है, जो थोड़ी सी कम है, इसको एटलीस्ट 450 या फिर 500 की होनी चाहिए थी, पर मैं इसको पिछले 1.5 महीने के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ, तो इंडोर में ऐसे ब्राइटनेस का लेके कोई भी इशू आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो इसमें AMD फ्री सिंक भी मिल जाता है, जो 75Hz का रिफ्रेश रेट देता है। तो अगर आप कभी कभार गेमिंग करते हो, कैजुअल गेमिंग करते हो, देन उस केस में बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसको खास करके गेमिंग के लिए देख रहे हो तो मैं आपको इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। आप 120Hz या फिर 165Hz के जो मॉनिटर्स आते हैं उनकी तरफ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपको इस मॉनिटर में HDR10 भी मिल जाता है, तो कलर्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं, HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है, और ये फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है, मतलब कि जैसे आप देख रहे हो कि मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, और डिस्प्ले जो है फ्लिकर नहीं कर रही, एकदम आपको सही से कलर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो फ्लिकर फ्री ये डिस्प्ले होने वाली है। 5 मिलीसेकंड्स का आपको रिस्पॉन्स टाइम इसमें मिल जाता है, और एंटी ग्लेयर ये डिस्प्ले है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कुछ लाइट वगैरह चल रही है, पर डिस्प्ले पे वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, तो वो इसकी एक खास बात है। अब जो एक सबसे बेस्ट यूज़ है, काफ़ी लोग मॉनिटर्स को लेते हैं मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, तो आपको इसमें 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल भी मिल जाता है, तो मतलब कि अगर आप इसमें साइड में भी बैठ के मूवीज़ वगैरह देखते हो या फिर ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो काफ़ी क्लियर आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा साइड में हो जाओगे तो आपको डिस्प्ले नहीं दिख रही, ऐसी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगी। तो कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे आपको दिख जाएंगे साइड से भी अगर आप देखते हो। वैसे बॉटम साइड में जहाँ पर LG की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, इसके ठीक नीचे इसका एक फिजिकल की देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसको प्रेस करते हो 4 ऑप्शन मिलेगा, पावर ऑफ, इनपुट, पिक्चर मोड और सेटिंग्स। तो अगर आप जो है इसके इनपुट्स के अंदर में जाते हो तो यहाँ पर जो HDMI पोर्ट्स वगैरह हैं उनकी आप बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप जो है इसमें पिक्चर मोड में जाते हो तो यहाँ पर आपको कस्टम विविड, HDR इफेक्ट, रीडर, सिनेमा, FPS, RDS, कलर वीकनेस, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल मिल जाती हैं। आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। फिर इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर में क्विक सेटिंग्स में आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट है, वॉल्यूम है, जैसे इसमें बिल्ट इन माइक आपको स्पीकर तो नहीं मिलता, जो 3.5 mm आप यूज़ करोगे उसका वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, और कलर टेम्परेचर मिल जाता है। इनपुट्स के अंदर में अगेन आपको जो है वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, HDMI और जो डिस्प्ले पोर्ट है उसका। आप अगर पिक्चर के अंदर में आते हो तो अगेन आपको पिक्चर मोड्स वही पिछले वाले ही देखने को सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप पिक्चर एडजस्ट कर सकते हो, गेम एडजस्ट कर सकते हो, तो बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं। पिक्चर रिसेट करने का ऑप्शन है। अगर आप जनरल में जाते हो तो यहाँ पर आप मॉनिटर की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसमें जो है स्मार्ट एनर्जी सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, पावर LED है, ऑटोमेटिक स्टैंड बाई है, डिस्प्ले पोर्ट वर्जन है, OSD लॉक है, इन्फॉर्मेशन है, और रिसेट करने का आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाता है। जैसे अगर पोर्ट्स की बात कर लें तो इस मॉनिटर में आपको 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, और एक आपको इसमें डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, एक पावर इनपुट मिल जाता है, और 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, जहाँ से आप एक्सटर्नल कोई भी स्पीकर अपना कनेक्ट कर सकते हैं।
जहाँ पर इसका स्टैंड लगता है उसका स्टैंड जो है वो एडजस्टेबल है, बेसिकली आप टिल्ट वगैरह कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसके एंगल्स को चेंज कर सकते हो, और आप वहाँ पर चाहो तो वॉल माउंट भी कर सकते हो 100x100 का। वैसा माउंट मैं करंटली वही यूज़ कर रहा हूँ, इसका स्टैंड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर प्रोस एंड कॉन्स की बात कर लें तो ये मॉनिटर काफ़ी लंबे टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को इसकी डिस्प्ले सबसे अच्छी लगी, इस प्राइस के हिसाब से बेस्ट डिस्प्ले मैं बोल सकता हूँ। बजट फ्रेंडली है, 25,000 के नीचे नीचे आपको मिल जाता है, 23,000 से 24,000 के आसपास ही इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादातर होती रहती है, और इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। कॉन्स की बात करें, सबसे बड़ा कॉन है इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। इसके पहले मैंने जैसे 1080p का मॉनिटर यूज़ किया था सेम 27 इंच साइज में, उसकी बिल्ड क्वालिटी इस वाले मॉनिटर से 10 times ज़्यादा बेटर थी। इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर आप गलती से इसको 3-4 इंच ऊपर से भी गिरा देते हो तो आई थिंक ये टूट सकती है, प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा इसकी कमज़ोर है, ये इसका सबसे बड़ा एक कॉन है। और दूसरा कि इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर नहीं मिलता है, एटलीस्ट 2 वाट के स्पीकर्स कंपनी को दे देने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा मेरे केस में मैं यूज़ करता हूँ स्पीकर्स को, तो इसमें वो मेरे को एक कमी लगी है। इसके अलावा मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो दी बेस्ट मैं बोल सकता हूँ प्राइस के हिसाब से, उसमें कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा LG के इस मॉनिटर का एक डिटेल रिव्यू, मॉनिटर की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं, पर बिल्ड क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि जब भी आप कोई यूनिट जब आप लो उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा चेक कर लें, अगर अच्छे मिले तो बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप लोगों को ये मॉनिटर कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, और इसी तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।